मध्य प्रदेश की लगातार गोवंश की सुरक्षा के लिए तमाम दावे कर रही है, लेकिन उनकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही पूरा मामला सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कारीमाटी पंचायत का है, जहां पर गौशाला नहीं होने की वजह से किसानों की फसल को आवारा मवेशी गोवंश नष्ट कर रहे थे। वहीं किसान एकजुट होकर एक अस्थायी बाड़े में लगभग 150 से 200 मवेशियों को बंद कर दिया। बता दें कि किसानों के द्वारा विगत 3-4 माह में गोवंश को बंद करके रखा गया है। कुछ दिन तक सूखा चारा व पानी तो दिया गया, परंतु अब वह भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन उनकी मौत हो रही है। 2 दिन पहले गाय ने एक बछिया को जन्म दिया था, परंतु भूख प्यास की वजह से उस बछिया व उसकी माँ की मौत हो गई। वहीं इन्हें देखने वाला कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। पंचायत में किसी भी प्रकार का बजट नहीं है और ना ही वर्तमान में सरकार की ऐसी कोई योजना है कि गौशाला बनवाया जा सके। रही बात गोवंश की मृत्यु एवं कैद होने के संबंध में, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपके द्वारा जानकारी दी गई है, घटना स्थल पर जाकर देखेंगे और जो कुछ भी होता है उचित इंतजाम करवाते हैं। सीधी से ललित द्विवेदी की रिपोर्ट। कितनी समस्या होती है बेटा? दूसरे वाले भगाते हैं। क्या नाम है बेटा? रागिनी कुमारी गुप्ता। किस कक्षा में पढ़ते हो? 5। स्कूल का नाम क्या है? सांस्कृतिक विद्यालय कारीमाटी। छोटे छोटे बच्चे इनसे पियारा डलवाए थे, जब छुट्टी होती हम लोग खुद डायरी पे। अब 3 दिन हो गया पानी पिए हैं, 3 दिन से। एक दिन गई है बच्चा देरी तो बाल्टी में ले गया, हम गई है कि पानी देना, बच्चा वो मर गया। अब बताइए पियारा लिया कि फेंक दे था, अब डारे वाले को नहीं है कि को 3 दिन से पानी पिए गोर के पानी पिया दे। सरपंच सचिव को व्यवस्था नहीं करे, कुछ नहीं करिए। पियारा लिया के फेंके था, कुछ व्यवस्था नहीं है। बताइए मारा ला इतना गोर मत मना, हम कितना हम लोग बाल्टी पानी पियाई, हम लोग खाना बनाए थे, इतनी यहाँ गंदगी हम लोग का करी बताइए। अपनी आप लोगों की समस्या होती है? हम लोग को समस्या होती है, हम बांधे रहते हैं, हम बहुत दिक्कत, लड़के ने खाना में बदल दी, मास्क बांध दिया। हाँ अच्छा, गौछा से हम बांधे रहते हैं, कहा करिए अभी बच्चे की है ये जो नहीं है था ले जब से जब छुट्टी हुई तो सगलन के पियरा डाल रहा लड़कन के बलाई के। बच्चे डालते हैं? हाँ बच्चे। अच्छा आपका नाम? हम पुष्पा सोंधिया। रसोईया है यहाँ पे? हाँ हाँ। ग्राम पंचायत अंतर्गत एक किसानों के द्वारा स्वयं की बनाई हुई टेम्परेरी गौशाला है, वहाँ पर गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है और गौवंशों की आए दिन मृत्यु हो रही है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? अमर भैया धन्यवाद आपको। हमारे संज्ञान में तो है नहीं, अगर किसान लोग बनाए हैं अपने से तो आपके मताए के माध्यम से आज मैं उसको दिखवाता हूँ। और हम तो आपसे कहेंगे कि आप सरकार से पूछिए, ऐसा कोई पंचायत में मत भी नहीं है कि हम अगर चाह लें कि 2-4 गौशाला गौ सेवक कह क्या कुछ बजट कोई कुछ नहीं है व्यवस्था कराने के लिए। आप भी किसान के घर से ताल्लुकात रखते होंगे, इस समय पर मवेशियों के इतना तांडव है कि पूरी फसल बर्बाद हो रही है, तो हमारी मांग तो ऊपर तक सीएम तक पहुंचवाइए कि कुछ वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि किसान लोग परेशान ना हों। इस जो आप कह रहे हैं इसको मैं दिखवाता हूँ कि आ किसान कैसे बनवाए हैं, दिखवाने के बाद फिर आपसे बताते हैं। क्या कोई व्यवस्था की जाएगी आपके द्वारा? बजट तो नहीं है, शासन कोई ऐसी ना को आदेश मिला है पंचायत में, ना ऐसा कोई है। हमारे सीएम कमलनाथ जी थे तो गौशाला के लिए प्रावधान गांव गांव बन भी रहा था, तो अगर कोई शासन सुने और कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए तो अगर शासन बोलेगी बजट मत देगी तो हम लोग करेंगे, पर किसान तो इस समय इससे बहुत ज़्यादा तब परेशान है। सरकार तो विकास यात्रा भी निकाल रही है। नहीं, मानवीय दृष्टि को ध्यान में रखकर अगर बात की जाए, गोवंशों की मृत्यु हो इसके लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं? अभी तो कोई मेरे वो संज्ञान में है नहीं अमर भैया, कि मेरे संज्ञान में है। अगर हम देखते हैं अगर कुछ ऐसी होगी जो हमसे हो सकेगा मैं उसके लिए करूँगा, और शासन से मांग भी करूँगा कि ऐसी कोई बजट ऐसी कोई व्यवस्था बनाए ताकि ना गोवंशों का ना किसानों का किसी का हानि ना हो।